हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूसीटी प्रिपरेशन। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का फिर से स्वागत हमारी इस चैनल पे, जहां पे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि आपने पार्ट वन में देखा होगा, मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले बताए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पे आप कुछ और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। A train travels 198 km in certain time. If train travels 14 whole 2/7% faster than a car, then both reach at the same time because there was a 16.5 minute halt for train. Find the speed of the car. क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रेन और कार दोनों मिलकर 198 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। चलिए दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बात समझ में आई। क्या बोल रहा है कि ट्रेन जो है वो 14 whole 2/7% फास्ट है कार से। 14 2/7% को वैसे बोलते क्या है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है, इसे 1/7 बोलते हैं। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 1/7 ज्यादा है कार से। यानी कार की अगर स्पीड जो है, स्पीड की बात करें हम, कार की स्पीड अगर 7 है तो जो ट्रेन की स्पीड है वो 1 ज्यादा है, यानी वो 8 है। बात समझ में आएगी नहीं, अगर कार की स्पीड 7 है तो ट्रेन की स्पीड 8 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं, ठीक है, निकले साथ में, पहुंचे साथ में, लेकिन स्पीड का डिफरेंस है। तो एक बात बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि स्पीड एक की ज्यादा है एक की कम है, तो लेकिन पहुंच वो साथ में रहे, निकल भी साथ में रहे। ये कब पॉसिबल है, जब दूसरे वाले जिसके फास्ट स्पीड वो रुकेगा। कितनी देर रुक रहा है, वो बोल रहा है 16.5 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का। समझ में आई बात की नहीं, कि स्पीड कार की और ट्रेन की 7-8 है, लेकिन वो साथ में निकल रहे हैं, साथ में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट रुक रही है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ था, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है। जैसे स्पीड का रेशियो अगर 7-8 है तो टाइम का रेशियो 8-7 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं, स्पीड का रेशियो 7-8 है तो टाइम रेशियो 8-7 होगा। और वहां पे बोल रहा है कि 16.5 मिनट ट्रेन रुकती है, हॉल्ट करती है, लेकिन कार तो नहीं रुकती है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेन का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो कार के ट्रेवलिंग टाइम से 16.5 मिनट कम है, ठीक है। 16.5 मिनट रुक रही है, अगर वो ना रुकती तो 16.5 मिनट पहले पहुंच जाती ना। इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो ट्रेन को 16.5 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। और यहां से देखें तो हम ट्रेन को 1 यूनिट कम लग रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16.5 मिनट है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, स्पीड ऑफ कार पूछिए, कार की स्पीड पूछिए, कार की डिस्टेंस दिया हुआ है। तो कार की अगर टाइम आ जाए तो कार की स्पीड आ जाएगी, और कार की टाइम कितनी है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16.5 × 8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 132 मिनट्स। आप सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है, ये 132 मिनट्स आएगा। तो यानी कार को 198 किलोमीटर जाने में 132 मिनट्स लग रहे हैं, तो ठीक है। तो अब हमें कार की स्पीड बतानी है, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले वीडियो में क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ठीक है, डिस्टेंस कितना 198, अगर ये किलोमीटर में है तो जो टाइम होगा वो आर में होगा, ये मिनट में, मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 198 अपॉन 132 इंटू 60, ये 66 3 जा 66 2 जा 230, तो 30 × 3 90, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं, कार की टाइम निकालेंगे तो टाइम से डिस्टेंस गिवन है तो वहां से स्पीड आ जाएगी। आपसे ट्रेन की भी स्पीड पूछ सकता था, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे 7 की वैल्यू अगर 90 है तो 8 की वैल्यू आप बता देंगे, सीधे डायरेक्टली आपको बता देना है, ठीक है। समझ में आएगा नहीं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर जाने में ट्रेन बी को जितना टाइम लगता है उससे 45 मिनट ज्यादा लगता है ट्रेन ए को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्यू टू इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ ट्रेन फॉल्स बाय अ क्वार्टर। मतलब कुछ बी के जो ट्रेन बी में उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसकी जो स्पीड है वो क्वार्टर फॉल हो गई, ठीक है। मतलब 4 से अगर स्पीड 4 थी तो 1 फॉल हो गई, 1/4 फॉल हुई है, ठीक है। फॉल बाय क्वार्टर मतलब 1/4 फॉल हुई है, मतलब अगर 4 थी स्पीड तो स्पीड कितनी हो गई 1 कम हो गई, यानी 3 हो गई, ठीक है।
समझते जाइए. सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी. तब उसको क्या हुआ, पहले ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा था, अब बी को 30 मिनट ज्यादा लग रहा है ए से. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको, मैं आपको समझाता हूँ. पहले हम बी की स्पीड की बात कर लेते हैं. अगर हम बी की बात करें तो जो स्पीड होगी बी की वो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई. ये बात समझ में आई कि नहीं, स्पीड 4 थी, एक कम हो गई तो 3 हो गई. तो टाइम कितना होगा, 3 से 4 हो जाएगा. ये बात समझ में आई कि नहीं, अगर स्पीड 4 से 3 हुई है सेम डिस्टेंस के लिए तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा, इनवर्स रेशियो. अब एक बात बताइए, पहले ए को जितना बी को जितना टाइम लगता था उससे ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा था, बी को जितना भी टाइम लगता था उससे 45 मिनट ज्यादा लग रहा था ए को. बात समझ में आई कि नहीं. अब क्या हो रहा है, जब स्पीड कम होने के बाद जो ए को 30 मिनट कम लग रहा है यानी बी को 30 मिनट ज्यादा लग रहा है. मैं आपको अच्छा एक बात बताई, ए को सपोज करिए अगर एक्स मिनट लग रहा था, ठीक है, तो बी को कितना लग रहा था, एक्स माइनस 45. ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि बी को ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा है, बी को अगर एक्स माइनस 45 लग रहा था तो प्लस 45 कर दो तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स को इतना टाइम लग रहा था. अब क्या हो रहा है, अब ये पहले केस में, दूसरे केस में ए की कोई बात तो हुई नहीं तो ए को एक्स टाइम ही लग रहा होगा, लेकिन बी को कितना लग रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है ए से. तो यानी बी को कितना लग रहा है, एक्स प्लस 30 मिनट लग रहा है. ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, पहले एक्स मिनट ए को लग रहा था, बी को एक्स माइनस 45 मिनट लग रहा था. अब क्या हो रहा है, ए को तो एक्स ही लग रहा है लेकिन बी को एक्स प्लस 30 मिनट लग रहा है. तो अगर ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 75 मिनट्स का है, यानी बी को पहले से और अब में जो कंपेरिजन करा जाए तो 75 मिनट ज्यादा लग रहा है. ये बात समझ में आएगी नहीं, दिस माइनस दिस करेंगे तो 75 आएगा, यानी बी का जो टाइम का डिफरेंस आया है वो 75 मिनट्स आया है. मतलब स्पीड अगर 4 से 3 हुई है बी की तो टाइम 3 से 4 हुआ है, एक यूनिट बढ़ा है, एक यूनिट की वैल्यू 75 मिनट्स है. ये बात समझ में आई कि नहीं, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 75 मिनट्स है. ठीक है, तो हमें पूछा क्या, एक स्पीड, अगर बे की अगर एक स्पीड पूछी तो एक ही टाइम चाहिए. ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता है, अगर ए का टाइम निकालना है तो हमें बी का अगर टाइम आ जाए तो ए का टाइम निकल जाएगा. तो एक बात बताइए, पहले केस में एक बी को कितना टाइम लग रहा होगा, एक यूनिट की वैल्यू 75 है तो पहले केस में 225 मिनट लग रहा था ना, पहले केस में तीन टाइम लग रहा था, 3 की वैल्यू 225 मिनट है ना. समझ में आया कि नहीं. अब एक बात बताइए, अगर बी को 225 मिनट लग रहा था पहले केस में और ए को 45 मिनट ज्यादा लग रहा था, पहले केस में बी को अगर 225 मिनट लग रहा था तो ए को इससे 45 मिनट ज्यादा लग रहा था, तो इसको ए को कितना लग रहा था, 270 मिनट. ये बात समझ में आई कि नहीं, ये पहले केस से है. ठीक है, ए को कितना लग रहा था, 270 मिनट लग रहा था 450 किलोमीटर ट्रेवल करने में. ठीक है, तो हमें ए की स्पीड बतानी है. ठीक है, ए की स्पीड बतानी है. एक स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है, 450. टाइम कितना है ए का, 270 मिनट. दो मिनट में इसको आर में चेंज कर, 270 अपॉन 60 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 9 3 जा 9 5 जा 3 into 20 20 into 5, आपका ए की स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हर एक कुछ बेसिक से आपको जाना है, एक एक स्टेप आप करते जाइए आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, वीडियो बार बार देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो CU CET आपका पेपर होने वाला है इसके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. आप इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाने वाली है. ये बैच जो है, सारी जो CU CET का आपका पेपर होने वाला है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे वो UG हो, PG हो, NET, JRF कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे आपको इस बैच में मिलने वाला है. ठीक है, उस बैच में क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है. आप सारी कुछ देख सकते हैं, कितने आवर्स के लेक्चर, क्या क्या लेक्चर्स में क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, जो मॉड्यूल रहेगा उसमें क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है. कुछ भी डाउट हो तो आपको नंबर पीछे आपको दिखाया था वहां से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे. देखिए तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए. अ पर्सन स्टार्ट्स अ जर्नी इन द मॉर्निंग, ही हैज कवर्ड 62.5% ऑफ द टोटल जर्नी टिल 8:25 AM.
8:25 AM, ठीक है, and completed his journey at 8:49 AM, ठीक है. Next day he starts his journey by 30 minutes late, but he increases his speed by 14.28%. At what time he will complete his journey? Question बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा logical है, लेकिन आपको एक एक line पे जाना है तब जाके आप question solve कर पाएंगे, ठीक है. जैसे start करते हैं, a person starts the journey in the morning, ठीक है, he has covered 62.5% of the total journey till 8:25 AM. यहाँ पे देखिए उसने क्या किया है, 62.5%, 62.5% मतलब कितना होता है 5/8. अगर टोटल जर्नी 8 है तो उसने 5 कवर कर लिया है, कब तक, 8:25 तक. ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर टोटल जर्नी 8 है तो उसने 5 यूनिट, 8 यूनिट अगर टोटल जर्नी है, 5 यूनिट उसने 8:25 तक कवर कर लिया है, ठीक है, बात समझ में आई. बचा हुआ कितना जर्नी है, 3 यूनिट. टोटल जर्नी 8 यूनिट था, 5 यूनिट उसने 8:25 तक कवर कर लिया है, कितना बचा है, 3 यूनिट जर्नी बची है ना, उसको उसने कब कवर, कब तक कवर किया, 8:49 पे. ये बात समझ में आई कि नहीं? 5 यूनिट उसने 8:25 तक कवर कर लिया था, तो जो 3 यूनिट है वो कब कवर हुआ, 8:49 पे. तो एक बात बताइए, ये जो टाइम लगा है कितना है, ये 24 मिनट. वो 24 मिनट, वो 24 मिनट में क्या उसने 3 यूनिट कवर किया कि नहीं किया, ये बात बताइए. 3 यूनिट बचा था, 3 यूनिट कवर करने में उसे 24 मिनट लगे कि नहीं लगे? तो 1 यूनिट कवर करने में उसे कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट. यह बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से 1 यूनिट कवर करने में उसे 8 मिनट लगते हैं, यहां से क्या जाएगा, उसका स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा. कैसे, 5 यूनिट वो 8:25 तक कवर कर चुका था, तो 5 यूनिट से कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, 40 मिनट. ये बात समझ में आई कि नहीं? 5 यूनिट उसे कवर करने में कितना टाइम लगा था, 40 मिनट, ठीक है. 8:25 तक वो 5 यूनिट कवर कर चुका था, यानी निकला कब होगा वो, 40 मिनट पहले निकला होगा. अब इसमें 40 मिनट अगर हम पहले पीछे कर देंगे, 8:25 से 40 मिनट पीछे आप आ जाओ, तो 7:45 AM, यानी वो निकला कब था, 8:15 निकला था, 7:45 पे वो निकला था, वो उसकी स्टार्ट करी थी उसने जर्नी 7:45 पर. ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छा ही है. चलिए बढ़ते हम आगे. इसके बाद क्या बोल रहा है, अगले दिन वो स्टार्ट करता है 30 मिनट लेट, यानी 7:45 डेली निकलता था, लेकिन अगले दिन वो आधा घंटा लेट, यानी कब निकल रहा है, यहाँ पे देखिए 8:15 पर निकल रहा है, ठीक है, आधा घंटा लेट निकल रहा है ना, तो यानी 8:15 पर निकल रहा है. आगे बात करते हैं क्या है, बट ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 14.28%. 14.28% मतलब क्या होता है, 1/7, मतलब उसकी जो उसने स्पीड को 7 से 8 कर दी, 7 थी 1 बढ़ा दी, तो स्पीड कितनी हो गई, 7 से 8, ठीक है. तो टाइम कितना हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा. ये बात समझ में आई कि नहीं? टाइम कितना हो जाएगा, 8 से 7. इसका यूज कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ आपको. 8:15 पे वो निकला है, ठीक है, उसको कितना जर्नी ट्रेवल करनी है, 8 यूनिट जर्नी ट्रेवल करनी है, 1 यूनिट जाने में उसे 8 मिनट लगते हैं, तो 8 यूनिट जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 64 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा? यह बात समझ में आई कि नहीं? 1 यूनिट जाने में उसे 8 मिनट लगते हैं, तो 8 यूनिट जाने में यानी टोटल डिस्टेंस जाने में उसे 64 मिनट लगेगा. लेकिन एक बात बताइए, जब स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम होगा ना, पहले 8 लग रहा था, नहीं 64 लग रहा था, अब 7 लगेगा यानी 56 लगेगा. यह बात समझ में आई कि नहीं? पहले 64 मिनट लग रहे थे, 8 लग रहा था, 8 से 7 हुआ है टाइम, 8 से 7 हुआ, 8 की वैल्यू 64 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56. यानी जब वो 8:15 पे निकलेगा अगले दिन, उस दिन उसे 56 मिनट लगेंगे, ठीक है. तो जब 8:15 में 56 मिनट हम ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9:11, ठीक है, 9:11 पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था. अगर पेपर को टफ बनाना है तो वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा. देखिए क्वेश्चन आप ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन वहां पे आ नहीं सकता, अगर आएगा तो ठीक है तो आप कर लेंगे, नहीं आएगा, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो आपके जो बाकी क्वेश्चन है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे, आप बहुत ही इजिली उसे टैकल कर लेंगे, क्योंकि इसलिए ये जो लेवल क्वेश्चन के बहुत ही बेसिक है बहुत ही बेसिक, लेकिन लॉजिक है यहाँ पे, जो इसकी लैंग्वेज है वो इसको टफ बना देती है, ठीक है. तो अगर आपको इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लीजिएगा, मैं सारे कमेंट के आंसर दे दूंगा, ठीक है. क्वेश्चन को आप वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9:11, ठीक है. चलिए बढ़ते हम आगे. अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज 910 किलोमीटर, ठीक है. टू पर्सन स्टार्ट्स ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द मॉर्निंग 10 o'clock टुवर्ड्स ईच अदर. द स्पीड ऑफ बी इज 16.66% मोर देन ए. एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी और क्यू दो पॉइंट है, तो मैं मान लेता हूँ पी ये रहा और ये रहा क्यू,
ये कितने डिस्टेंस है इनके बीच का, 910। ठीक है, आगे क्या है, एक दो पर्सन ए और बी जो इस जर्नी स्टार्ट करते हैं पी और क्यू से, यहाँ से ए स्टार्ट करता है, यहाँ से बी स्टार्ट करता है, ठीक है, 10 बजे स्टार्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, मतलब ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, जो जो बोलता जा रहा मैं लिखता जा रहा हूँ। स्पीड ऑफ बी इज 16.66% मोर देन ए, ये कितना होता है, ये 1/6 होता है। देखिए परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, 16.66 मतलब 1/6। कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, कि अगर स्पीड जो है बी की इतनी ज़्यादा है, यानी ए की स्पीड अगर 6 है तो बी की स्पीड 1 ज़्यादा यानी 7 है, ये स्पीड की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर ए बी की स्पीड 6 और 7 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं, स्पीड का इनवर्स रेशियो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, हमसे क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि डिफरेंस बताना है कि जो उनके बीच में डिफरेंस होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसके बीच का डिफरेंस, मतलब सपोज करिए ये दोनों यहाँ पे, क्या पूछना चाहता मैं आपको, यहाँ पे ये दोनों मिले हैं, ए बी इस पॉइंट पे मिले हैं, तो हमें इतना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस जो ए ने कवर किया है, ये डिस्टेंस जो बी ने कवर किया है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ वो याद रखना, अगर डिस्टेंस इन दो, ये दोनों जब मिलेंगे तो 10 बजे निकले यानी 7 बजे निकले हैं, तो जब मिल रहे हैं तो यानी दोनों को जो टाइम है वो तो फिक्स है, मतलब जितना टाइम ए चला है उतना ही टाइम तो बी चला है, टाइम तो फिक्स है ना, ये बात समझ में आएगी नहीं। ये 10 बजे चला, सपोज करिए 11 बजे मिलते हैं, तो 10 से 11 ए भी चला है, 10 से 11 बी भी चला है, दोनों टाइम सेम चलेंगे नहीं। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया जाए कि टाइम फिक्स है, दो पर्सन का टाइम फिक्स है, तो उनका जो स्पीड का जो रेशियो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होता है, ये बात समझ में आएगी नहीं आपको। अगर टाइम फिक्स है, अगर टाइम जो है वो दोनों का सेम है या फिक्स है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, मतलब समझ में आया कि नहीं। अगर टाइम फिक्स है, टाइम सेम है दो पर्सन का, तो उनके जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही होगा, ठीक है, यानी इनकी स्पीड का रेशियो क्या है 6 से 7, तो इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 6 से 7 होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं। इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 6 से 7, 7 6 13, ठीक है, 13 की वैल्यू कितनी दी गई 910, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, यही आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि 7 यूनिट ये चला, 6 यूनिट ये चला है, डिफरेंस कितना 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू पूछिए जो आपकी 70 किलोमीटर होगी, आंसर सी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगी नहीं आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक जो क्वेश्चन है, एक यहां पे प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि टाइम अगर सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, उसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, समझ में आया। यहां पे कुछ लोग एक्स और क्वेश्चन बना के करेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टी जो उस पर हमें जाना है, ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्टेड टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एट 12:30 PM, ठीक है, एट 10:30 AM ही फाइंड्स दैट ही हैज कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस, हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, एक एक लाइन समझाता जाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक कार ड्राइवर है, वो बैंगलोर से निकलता है 8:30 बजे और वो सोचता है कि एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने को 300 किलोमीटर जो दूर है वहां पे सोचता है वो 12:30 बजे पहुंच जाएगा, मतलब सपोज करिए यहाँ पे बैंगलोर है और यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन है, मैं मान लेता हूँ चेन्नई है सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है 300 किलोमीटर। अब ये 8:30 बजे यहाँ निकलता है, यहाँ से कितने बजे निकला 8:30 बजे और यहाँ से पहुँचना कब है 12:30 बजे, ठीक है, हमें यहाँ तक तो हो गया। क्या बोल रहा है, 10:30 बजे उसे क्या रियलाइज हुआ कि उसने खाली 40% डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कितना 300, तो 300 का 40% कितना होगा, वैसे तो 120 हो जाता, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, फिर भी सॉल्व कर लीजिए, तो 120 यानी 10:30 बजे उसे क्या पता चला कि उसने खाली 120 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 10:30 बजे उसे क्या पता चला कि उसे उसने खाली कितना ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर, ठीक है, यानी 2 घंटे में उसने कितना ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर,
ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? 8:30 बजे निकला था, 10:30 बजे उसने क्या पता चला कि उसने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी 2 घंटे चला है ना, 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी उसकी स्पीड क्या होगी उस टाइम पे? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता था? 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी स्पीड क्या थी उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब आगे सोचिए, उसे पहुंचना कब है? 12:30 बजे, 10:30 तो बच चुके हैं, कितना टाइम बचा है? 2 घंटे बचे हैं, और उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 120 ट्रेवल कर चुका है, 300 टोटल डिस्टेंस है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर, यानी बचे हुए 2 घंटे में उसे 180 किलोमीटर ट्रेवल करना है, यानी 1 घंटे में उसे कितना ट्रेवल करना है? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी स्पीड अब क्या हो जानी चाहिए? अगर उसे टाइम पे पहुंचना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसकी स्पीड है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोल रहा है वो? कितनी स्पीड अपनी बढ़ा दे, 60 से वो 90 कर दे, तो कितनी बढ़ाएगी? कितना बढ़ाएगा वो अपना स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आप लैंग्वेज पर जाइए, एक एक लाइन जो जो बोलता जा रहा आप उसको लिखते जाइए क्वेश्चन के फॉर्मेट में, आपका आंसर गारंटीड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन अपने आप में 4 से 5 कॉन्सेप्ट लेके चलता है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 5 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।